इस बंदी को सारे काम आते हैं लेकिन कपड़े धोने नहीं आते। कपड़े धोने आते हैं, मशीन में धोने नहीं आते। अच्छा, कपड़े वैसे हाथों से धोने आते हैं, मशीन में धोने नहीं आते। ये नहीं चलानी आती। Assalamualaikum everybody, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले चले गया था ग्रोसरी करने के लिए, बिकॉज एजल का फीडर बनाने के लिए पानी नहीं था, और भी कुछ स्नैक्स वगैरह एजल के लिए खरीदने थे, जैसे कि योगर्ट, मैश पोटैटो, ये सारी चीजें एजल कभी कभार ब्रेकफास्ट में खा पी लेती है। तो भाई अपने से ज्यादा बच्चों के नाश्ते का ख्याल रखना पड़ता है। फिर ग्रोसरी वगैरह करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापिस अपने होटल में। अब जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ये जी अभी हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट मंगवाया है ऑर्डर करके। भाई नहीं जा पाए बिकॉज तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, कल भी सो नहीं पाए थे, परसों भी सो नहीं पाए थे, इसलिए आज नींद पूरी करनी और साथ ही साथ रेस्ट करनी बहुत जरूरी थी हमारे लिए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर शाम ही तक, क्योंकि शाम में हमें होश आ गई है कि उठो निकलते हैं और घूम फिर कर आते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है हमारे मलेशिया में। और सुबह से लेकर शाम तक मैं गाना इसलिए गा रहा था कि बारिश ही होती जा रही है यार। सुबह अच्छा खासा वेदर था, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी शाम के तकरीबन बज चुके हैं। कोई घड़ी नहीं चल रही, सॉरी कुड यू से दैट अगेन, क्या बोलती है? मैंने कुछ भी नहीं बोला, घड़ी को तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, फिर ये क्यों मुझसे पूछ रही है कि दोबारा से आप बोल सकते हैं? असल में शाम के बज गए अभी 4:30। फिर मैंने उनको कहा कि बारिश तो होती ही जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए हम लोग रेडी शेडी होकर निकलते हैं और अपनी जो एक्टिविटी करने कराने वाली है वो करके आते हैं, क्योंकि बिजलियां लशक रही हैं, वेदर तो बहुत ही सुहाना मस्ताना। ओ मेरी दिलबर जाना। ये अपार्टमेंट वालों ने रूम में ही छतरी रखी हुई है, ये छतरी भी मुझे मिल गई है। नहीं तो मेरा प्लान था कि बाहर जाकर पहले तो छतरी खरीदूंगा, बाद में बाकी मामलात करूंगा। भाई बादल बहुत हैवी गरज रहे हैं, चलो निकलते हैं, फिर इसी छतरी के सहारे हम लोग चले फिरेंगे। वैसे ये छतरी तो सिर्फ और सिर्फ एजल को ही कवर कर पाएगी, हम लोग भीग भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं, भीगने में भी एंटरटेनमेंट है यार। बारिश की वजह से कोई टैक्सी भी नहीं आ रही, अभी तकरीबन 2 बुकिंग्स मैंने कैंसिल किए हैं। एक बुकिंग का टाइम दे रहा था 40 मिनट में टैक्सी आएगी, और दूसरी बुकिंग का टाइम दे रहा था कि 26 मिनट में टैक्सी आएगी। फिर मैंने सोचा कि 26 मिनट इंतजार कर ही लेता हूँ, 26 मिनट में से जब 20 मिनट गुजर गए तभी मैंने दोबारा से एप्लीकेशन पर चेक किया कि अब कितना टाइम शो कर रहा है, वो तब भी तकरीबन 16-17 मिनट शो कर रहा था। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि आप कब तक आओगे, उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ तो आप कोई और टैक्सी बुक कर ले। मैंने फिर उसकी राइड को कैंसिल किया, कोई और राइड बुक की। अब जो तीसरी राइड मैंने बुक की है उसके भी आने में तकरीबन 8 मिनट का टाइम है, और ये सारे मामला खराब ना बारिश ने की। फाइनली जी टैक्सी आ चुकी है, ये पकड़ो जी एजल का फीडर। ओहो, बल्कि मुझे पकड़ना चाहिए क्योंकि अभी मैं एजल की कोट को करूंगा बंद और रखूंगा डिक्की में। ये हो गई है जी बंद, रखूंगा मैं डिक्की में। चलो जी चलो, चलो जी चलो। फाइनली जी पहुंच गए हैं बंद उतामा मॉल में। इस मॉल में तो वैसे हम लोग पहले भी आए हैं, लेकिन दूसरी दफा अभी आए हैं, बिकॉज ये मॉल बहुत अच्छा है कुआलालंपुर में घूमने के लिहाज से। इस मॉल में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। लास्ट टाइम तो हम लोग इंडोर स्काई डाइविंग कर गए थे, वो भी इसी मॉल में है, लेकिन अभी दूसरी दफा हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि फ्लो राइडर एक्टिविटी है एक बहुत जबरदस्त। लास्ट टाइम मुझे वहाँ की बुकिंग नहीं मिली थी, इसीलिए दोबारा से इसी मॉल में आया हूँ ताकि फ्लो राइडर एक्टिविटी का मजा ले सकूं। इस बंदी ने बाहर नहीं आना होता, मैंने जाना था फ्लो राइडिंग के लिए, और ये ले आई है मुझे शॉपिंग के लिए। अब जल्दी जल्दी जो भी करना है कर लो ताकि हम लोग जा सके, बिकॉज मेरी बुकिंग थी 5 बजे की, लेकिन अभी बज चुके हैं 7:30, क्योंकि मैंने कॉल करके 1 घंटा वैसे एक्सटेंड करवा ली थी बुकिंग के मैं 6 बजे आऊंगा, लेकिन मैं 6 बजे भी नहीं पहुंच पाया था, मैं पहुंचा हूं मॉल में 7 बजे। ये अच्छा है, अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन इतना खास नहीं है। कलर अच्छा है ना? कलर अच्छा है, ले लो। शॉपिंग जो करनी थी वो कर ली है, अब बस जाएंगे अपनी एक्टिविटी की तरफ, और नहीं करनी। हाँ चलो बाद में देखी जाएगी। और पता नहीं टैक्सी ड्राइवर हमें कौन से वाले उतामा मॉल की बिल्डिंग में उतार गया, बिकॉज यहाँ से मैंने अभी गूगल मैप लोकेशन लगाई है और फ्लो राइडर की लोकेशन 1.5 किलोमीटर दूर है। 23 मिनट चलना पड़ेगा तब जाकर हम लोग पहुँचेंगे। कोई नहीं, चलते हैं अब बस। अभी फिर इस वाली बिल्डिंग से निकल कर हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड वाली बिल्डिंग में।
फ्लो राइडर हम लोग पहुंच चुके हैं और सीन कुछ ऐसे है कि अभी बज चुके हैं 7:45 और हमें बुकिंग अब मिली है 9:00 की। मैंने कहा कि मैंने तो पहले ही बुकिंग करवाई थी, वो कहते सर आप लेट हो गए हैं, लेकिन अभी जो बुकिंग हमारे पास अवेलेबल है वो 9:00 की है। फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक है यार बुकिंग कर दो। तो अभी उन लोगों ने हमें ये बैंड शर्ट पहना दी और बैंड शर्ट पहनाने के बाद हम लोग फिर 1.5 घंटा यहाँ पर ही घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। यार इसको शॉपिंग मैं थक गया हूँ कमल की शॉपिंग से, अल्लाह की कसम खत्म ही नहीं होती और शौक पूरा भी नहीं होता। मैं तुमसे थक चुकी। अच्छा लेकिन यूं ना तुम्हारे साथ तो थक चुकी हो तो फिर भाई ना हो, खत्म कर दो। क्यों जी क्या खत्म कर दो, क्या खत्म करना, थकी किस चीज से हो? नहीं तुम बता दो ना, तुम थकी किस चीज से? तुम्हारी एक्टिविटीज से थक चुकी हूं। जो एक्टिविटीज तो करनी है जिंदगी में, करने क्या आए हैं यार? गुस्सा चढ़ा दिया था मुझे इस बंदी ने। जो हल्का फुल्का खाना पीना था वो हम लोगों ने खा पी लिया है, अभी आ चुके हैं दोबारा से फ्लो राइडर की तरफ बिकॉज हमारा टाइम शुरू होने वाला है। कर रही है चेंज? चलो ठीक है अभी रुको तुम मेजल के पास और मैं अब अपने कपड़े चेंज करके आता हूं। ये बैग ही लॉकर में रखा है। लॉकर ले लिए? हाँ। चलो ठीक है आप अपना ले लेना। आपका अच्छा मैं अलग से लूंगा। हाँ आपका बैग लॉकर शॉकर कहाँ है? ये है जी लॉकर। एक लॉकर सेलेक्ट करता हूँ फिर उसमें ये कपड़े और शू उतार कर रखता हूँ। कपड़े अभी मैंने चेंज कर लिए, अभी जो कपड़े उतारे उनको रख दूंगा लॉकर में। पहले लॉकर को ओपन कर लेते हैं। लॉकर हो गया जी अपना ओपन। अब इसमें पहले तो रख देता हूँ शू और फिर रख देता हूँ कपड़े। चीजें सारी मैंने अपनी रख दी, अब बस लॉक कर दूंगा, चेक कर दूंगा कि फ्लश वाला तो नहीं है क्योंकि चीजें बहुत जरूरी हैं अपनी। और अभी जा रहे हैं जी फ्लो राइडिंग के लिए, बारिश भी बरस रही है, इस बारिश के दौरान फ्लो राइडिंग का मजा ही आ जाएगा। इस तरह से होनी है जी अपनी फ्लो राइडिंग। इस बंदी को तो थोड़ी बहुत करनी ही आती है लेकिन हम लोग तो बिल्कुल ही जीरो है। चले जी फ्लश शुरू होने लगा, वो बताने लगा। देख लिया अपने बाबा को, बाबा क्या करें। हेजल को हमने छतरी के नीचे बिठा दिए, चुप करके बैठी दिया और ये इसके बाबा के कर्तव्य देख रही है कि बाबा क्या क्या करेंगे। वो कह रहा हाथ को स्ट्रेट करो और पीछे को जाओ। ओके ज्यादा पीछे नहीं जाना, इतना आसान लग रहा था ना, इतना है नहीं। मैं नहीं करूंगी भाई, मेरे तो पहले ही दर्दें निकली हुई और निकल आएंगी। मेरा कैंसिल करवाओ, रिफंड करवाओ। ना 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 ना, पर ये मेरा बेटा यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ मामा पापा कब फ्री होंगे। बताओ जरा इसे पापा को देख रहे हो? तुम सीखो यहाँ ही करना सीखो, वहाँ जाकर फिर से फेल ही होगी तुम भी मेरी तरह। मैं 2 दफा गिरा हूँ और बहुत गंदा गिरा हूँ। ये है सुल्तान की चौथी ट्राई। रिलैक्स और मुझसे रहा नहीं जाना, रिलैक्स। मेरी तो माँ बहन होने वाली है। आ जाओ अब तुम्हारी बारी है। मैं तो बहुत दफा गिर के आया हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही और कितना ज्यादा मैं गिरूंगा और कब सीखूंगा। चलो 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 कमल चलो। अभी इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा बिकॉज यहाँ पर ही मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वाह 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 वाह, अभी तक नहीं गिरी, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब गिरेगी क्योंकि मैं भी गिरा था यहाँ पर ही। पांव कांप रहे हैं। ये भी सिखा रहे हैं और ये भी सिखा रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या बनता है, क्या कमल फर्स्ट टाइम में यहाँ लहरों का सामना करना ठीक सकेगी या नहीं। सीख गई है भाई, सीख गई है। ये वाओ यार।
चलो कोई मसला नहीं, गिर गई ये तो खैर है। हाँ मेरे से बेहतर ही किया है, मुझे पता है मेरे से बेहतर किया है भाई, क्योंकि मैं थोड़े कम टाइम में गिर गया था। अभी दूसरी दफा बेचारी गिरी है। ऐसे चलाओ ऐसे, तुमसे अच्छा किया प्रॉमिस। हाँ ना, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे से अच्छा किया है तुमने। चलो लेकिन दो दफा गिरी तो, तुम चार दफा बुरी तो नहीं गिरी? नहीं गिरी हूँ, लेकिन मैं कितनी देर स्टे करती थी। इजल हो रही है, इजल हो रही है। भाग गई है कमल उसके पास। अभी जी कमल की बारी है और इंशाल्लाह कमल तुम भी सीख जाओगी मेरी तरह। मैं तो मास्टर बन गया हूँ, मास्टर। ओवर कॉन्फिडेंट। कमल बेचारी गिर के वापस आई। अभी चौथी बारी है कमल की, अल्लाह करे कि अब सीख जाए। वैसे तो मैं भी चौथी बारी में ही सीखा हूँ, चौथी दफा भी गिर गई है। फाइनली बंदी पांचवी बारी में सीख ही गई है और गिर भी गई है। चले जी अपना टाइम हो गया है खत्म, और आपके भाई ने तो कमल से बहुत अच्छा सीखा भी है और किया भी है। ये बेचारी गिरी है। मैं सच बताऊं, दूसरा वाला जो पहला वाला इंस्ट्रक्टर था ना, खुदा का शुक्र बड़ा अच्छा, वो अच्छा था। इसने नहीं सही किया, मुझे इसने सही सिखाया। पता है लग रहा है कि पहले वाला अच्छा नहीं था, दूसरे वाला अच्छा इंस्ट्रक्टर था। मेरे लिए वो वाला अच्छा था, तुम्हारे लिए वाला अच्छा था, लेकिन दोनों ने अच्छा किया। नहीं मैंने ज्यादा अच्छा किया। मजा बहुत आया, लेकिन यार अब बस वापिस जा रहे हैं और कपड़े शपड़े चेंज करेंगे। चेंज वगैरह अभी हम लोगों ने कर लिए, अब फिर वापस जाएंगे होटल, या फिर नहीं होटल ही जाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं जी वापस अपार्टमेंट में, और अभी आपका भाई आ चुका है वॉशिंग मशीन के पास। वॉशिंग मशीन के पास आने की वजह ये है कि इस बंदी को सारे काम आते हैं लेकिन कपड़े धोने नहीं आते। कपड़े धोने आते हैं, मशीन में धोने नहीं आते। अच्छा कपड़े वैसे हाथों से धोने आते हैं, मशीन में धोने नहीं आते। तो अभी मैंने ये मशीन के अंदर सबसे पहले हेजल के कपड़े डाल दिए और इसको बताया है कि इस तरह से स्टार्ट करना है, इस तरह से पॉज करना है। वैसे ये तो ऑटोमेटिक मशीन है कमल, अगर इसकी जगह वो पुराने वाली मशीन होती ना तो कमल को सिखाना बहुत मुश्किल हो जाना। नहीं, वो आते हैं, वो आती है, ये नहीं चलानी आती। अच्छा ये नहीं चलानी आती, वो चलानी आती है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो आसान है, वो तो मुश्किल होती थी। पानी से पाया, सरफ नहीं आया। पानी आ गया ना, सरफ मैंने यहाँ पर डाला है ना अभी। जो कब आएगा? आ जाता है कमल, ये 16 मिनट इंतजार करो, ये धोकर बाहर देगी तुम्हें कपड़े, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठो, आ जाओ एजल के पास। कपड़े धोने भी आज सिखा ही दिए मैंने कमल को, और ये डल गए हैं सूखने के लिए अपने कपड़े। अब ये सुबह तक सूखेंगे या नहीं सूखेंगे ये तो सुबह ही पता चलेगा। कपड़े वगैरह जितने भी धुलने वाले थे वो हम लोगों ने धो लिए, अब बस अपने भाई को दे आज के व्लॉग से इजाजत। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।